हे डियर फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बनाने वाले हैं यूनिकॉर्न स्टिकर्स। आपने मेरे शिनचैन वाले स्टिकर्स को भी बहुत ज़्यादा प्यार दिया था, तो आज मैं आप सभी के लिए यूनिकॉर्न स्टिकर्स ड्रॉ करने वाली हूँ। यूनिकॉर्न स्टिकर्स बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक पेपर लेना है, उस पर आपको कुछ पेंसिल से ड्राइंग्स कर लेनी है। इसके बाद आपको उस पेंसिल से ड्रॉ की हुई ड्राइंग्स के ऊपर आपको मार्कर या किसी भी स्केच पेन की हेल्प से उनको फिर से ड्रॉ करना है। तो फ्रेंड्स, जब तक मैं ड्रॉ कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़, अगर आप चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने ऑलरेडी इसको सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, आगे आने वाली वीडियोस आपको अच्छे से मिल जाएं। तो चलिए, ड्राइंग इसको जिस तरीके से करना, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको ड्रॉ। ये जो यूनिकॉर्न स्टिकर्स होते हैं बहुत ज़्यादा क्यूट होते हैं, तो एक बार ज़रूर से इनको ट्राई करना। चलिए फ्रेंड्स, तो मैं ये सारी ड्राइंग कंप्लीट कर लेती हूँ। तो चलिए, ये सारी ड्राइंग्स मैंने कंप्लीट कर ली हैं। इन सारी ड्राइंग्स को बनाने के बाद अब आपको इनको कलर्स करना है। कलर करने के लिए आप किसी भी कलर का यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे सिंपल स्केच पेन का यूज़ किया है। आप वाटर कलर का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आपके पास अगर ब्रश पेन है तो आप उनका यूज़ कर सकते हो। देखिए, मैं जैसे वीडियो में शो कर रही हूँ, आपको सिंपली ऐसे ही इनको कलर कर लेना है। कलर करने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक और क्यूट होने जाएंगे। मैंने इनको जब कलर किया था और ये पूरी तरीके से रेडी हो गए थे, तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। देखिए फ्रेंड्स, ये सारे के सारे कलर करके रेडी हैं। अब आपको इनको सेलो टेप की हेल्प से बहुत ही ज़्यादा शाइनी और अट्रैक्टिव बना लेना है। आप इस तरीके से कुछ इन पे टेप को पेस्ट करेंगे और एक्स्ट्रा पार्ट को हटा देंगे। तो देखिए, मैंने पूरे पे इसको पेस्ट कर लिया है। अब इनको आपको लाइन बाय लाइन, जिस तरीके से मैं वीडियो में शो कर रही हूँ, इस तरीके से आपको कट कर लेना है। आपको सारे स्टिकर्स को अलग अलग कर लेना है, जिससे कि बाद में आपको कटिंग करने में प्रॉब्लम ना हो। देखिए, मैंने सारे स्टिकर्स इस तरीके से अलग अलग कर लिए हैं, आपको भी सेम वैसे ही करना था। अब आपको सारे स्टिकर्स को अलग अलग इस तरीके से थोड़ा सा वाइट पोर्शन छोड़ के इनको इस तरीके से कटिंग करना है, जिससे कि वो बहुत प्यारे लगें। आप अगर वाइट पोर्शन छोड़ते हैं तो ये बहुत ज़्यादा प्यारे लगेंगे। तो जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ, आपको बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। देखिए, ये स्टिकर कट करके बिल्कुल रेडी है। अब मैंने सारे स्टिकर्स इसी तरीके से कट कर लिए हैं। अब मैं आपको पेस्ट करके शो करती हूँ कि ये कैसे लगते हैं। आप फेविकॉल या फेविगम की हेल्प से इनको पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास डबल साइडेड टेप है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने सारे स्टिकर्स इस तरीके से पेस्ट कर लिए हैं। बहुत ही ज़्यादा क्यूट और प्यारे लग रहे हैं ये सारे स्टिकर्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।